आप धीरेन्द्र शास्त्री का भी फैन है, योगी का भी फैन है, और मोदी जी का फैन है? हम तो टी राजा का भी फैन है। हम टी राजा जो तेलंगाना वाले हैं, हम उनका भी फैन है। हम राहुल गांधी सोनिया जी का बेटा, जियो का डेटा मनोरंजन के लिए है। ठीक है, मनोरंजन के लिए, टाइम पास मनोरंजन, उसका स्टेटमेंट सुनिए और हंसने का लुत्फ उठाइए, इसलिए है राहुल गांधी का भाषण। कभी देखे नहीं थे, रियल में देखने आए। अच्छा, रियल में देखने आए, तो क्यों ऐसा लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री को देखना चाहिए, मिलना चाहिए या कथा सुनना चाहिए? उनका वाणी ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हम उनको पसंद करते हैं। हाँ। बहुत अच्छे हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। झारखंड से आए हैं स्पेशली यहाँ के लिए? हाँ, यहीं के लिए आए हैं। अकेले आए हैं, पूरा फैमिली आया है? नहीं नहीं, हम अकेले आए हैं। मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के बहुत बड़े भक्त हैं? हाँ, अकेले आए हैं। और ये सनातनी शेर है, है ना, भारत में रहना है तो राम राम कहना है। हाँ, है ना। हाँ, और ये एक बात ये जो बोले। हाँ, कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम भी बुलडोजर मंगा लेते। कौन बोला? अच्छा, बाबा जी बोले थे आपको? बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बहुत मस्त। और क्या कहते हैं कि जैसे कि यूपी वाले बाबा हैं, वो तो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद हैं, वो तो वही नाम से विख्यात है, ये बुलडोजर उनका बाबा। तो मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री का भी फैन है, योगी का भी फैन है? हाँ, और हाँ, मोदी जी का फैन है? हम तो टी राजा का भी फैन है। हाँ। हम टी राजा जो तेलंगाना वाले हैं, हम उनका भी फैन है। हम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का भी फैन। और राहुल गांधी का? राहुल गांधी सोनिया जी का बेटा, जियो का डेटा मनोरंजन के लिए है। ठीक है, मनोरंजन के लिए, टाइम पास मनोरंजन, उसका स्टेटमेंट सुनिए। अच्छा। और हंसने का लुत्फ उठाइए, इसलिए है राहुल गांधी का भाषण। तो मतलब है ना। हाँ, तो आप यहाँ कितने दिन से हैं? आप 13 तारीख से। बात की यहाँ देश के लिए, देश और धर्म, सबसे पहले देश और धर्म है। तो जो देश का नहीं है, जो धर्म का नहीं है, वो फिर अपना कैसे हो सकता है किसी का? और यहाँ तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कब होगा ये बताइए? ये तो बाबा जी तो बोल दिए कि हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। तो फिर है तो घोषित करने की क्या जरूरत है? अब होगा जो विधिवत, तो हर कार्य तो विधिवत होता है ना। हाँ। तो वो तो होगा ही होगा। कौन करेगा? लग रहा था 24 के पहले होगा क्या? नहीं, 24 के बाद होगा। 24 के बाद होगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। ये तो लग रहा है कि तब आप चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं कि 2024 तक बता दीजिए, फिर बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। नहीं नहीं नहीं, 24 देखिए, अब ये लास्ट समय चल रहा है, तो पाँच महीना पहले करें, बाद में करें, 5 महीना पहले कर दें। अब ये तो बात बताएंगे पीएम जाने वो लोग, है ना। हम लोग तो यहाँ हैं। हाँ। हम लोग तो अब वो तो वो लोग जाने, बड़े लोग जाने, है ना। लेकिन होगा, जरूर होगा, इसलिए कि पहले मोदी जी का और योगी जी के आने से पहले आप अपने आप में ये करते थे कि हम हिंदू हैं और जय श्री राम का नारा हर जगह अपने ही लगा सकते थे। और आज भी जो रुकता था पहले क्या, आज भी तो है कि आज भी है, स्टेटमेंट आते रहता है कि जय श्री राम को बैन करो, तो कभी बजरंग दल को बैन करो। बजरंग बली में अंतर है कि नहीं? बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है। बजरंग दल हो गए, बजरंग बली का मतलब किसी से अनुयायी उनके आधार पे चलना, और बजरंग बली तो भगवान जी हुए, है ना। वो तो राम भक्त हनुमान, वो तो बजरंग बली बजरंगी, वो अलग हुए। और बजरंग दल में वो भी तो हमारा क्या कहते हैं, सच्चा सपूत है बजरंग दल, वो सेवा करते हैं। बजरंग दल में जितने लोग हैं सब अच्छे हैं। तो बजरंग दल जान है देश का। लेकिन कर्नाटक में तो हुआ था, तो कर्नाटक में तो नहीं चला बजरंगबली का। बजरंगबली बोल रहा है, अब सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है कि बजरंगबली जैसे उड़े, वहाँ श्री राम जी थे, श्री राम जी बोल रहे हैं उसमें कि तुमने कर्नाटक जिता दिया, अब तुमको कमलनाथ भक्त को जिताना है। वीडियो कांग्रेस वाला वायरल कर रहा है, ये वाला बोल रहा है बजरंगबली। अब हम इधर आ गए हैं तो हम वायरल वीडियो सब, अभी 12 तारीख से हम भक्तिमय हैं अभी, यहाँ कहाँ है, इसलिए वो सब अभी कर्नाटक में बजरंगबली आप मतलब आ गए कांग्रेस के साथ क्या? नहीं, कांग्रेस के साथ देखिए, बात है कि कांग्रेस को जो जिताया है वो भुगतेगा, जैसे बंगाल में भुगत रहा है लोग, वैसे वहाँ भी भुगतेगा। अब झारखंड में है तो झारखंड में तो वहाँ नहीं है कांग्रेस, बीजेपी की सरकार आ जाएगा ना, आ जाएगा, इस बार आ जाएगा। हेमंत सोरेन का काम अब हम अपना प्रदेश में हैं, आप ये प्रदेश में आए हुए हैं, और अपना स्टेट का अगर हम कंप्लेन करें
तो इस स्टेट में आके तो ये थोड़ा सा अजीब काम काम का क्या मतलब आप लग रहा है मोदी जी का फैन है तो हेमंत सोरेन का भी फैन है, आप शिकायत नहीं करना चाह रहे? ऐसा थोड़ी ना होता है, मोदी जी को जानते काम का समर्थक सब है, मोदी जी का फैन कहे है ना। सबसे पहले तो जा करके ये जो यहाँ होते होते हुआ जो पाकिस्तान में जा करके जवाब दिए है ना, तो उससे क्या हुआ कि मोदी जी को के तरफ लोग कि चलो सेना पर जो है जो सेना लोग है वो तो हमारा है, वो चाहे किसी का भी बेटा हो मगर वो हर माँ का अजीज है, जो जो सैनिक है वो जितना भी माँ है वो हर माँ का अजीज। अभी आपको रहना है, कल तक यहाँ रहना है, पूरा कथा सुन के जाइएगा। हाँ पूरा समाप्त समापन के बाद ही जाएंगे। सब कुछ व्यवस्था यहाँ बढ़िया है, सोने वोने का खाने पीने का? नहीं हम रुके हुए हैं। अच्छा, कोई आपके रिलेटिव हैं? हाँ जो भी हैं। व्यवस्था के नाम पे आप थोड़ा मतलब हो सकता है कमी तो हो ही सकता है, व्यवस्था में कमी होना चाहिए था। अच्छा व्यवस्था होना चाहिए था, व्यवस्था नहीं हो पाया है ठीक से, जिस तरह से होना चाहिए था व्यवस्था उस तरह से नहीं हो पाया। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर कुमार कहाँ के हैं आप? मैं झारखंड बोकारो से हूँ। अच्छा आप पूरी फैमिली के साथ आए? जी नहीं अकेले आया हूँ। अकेले आए हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को आप कब से जान रहे हैं? जय बाबा बागेश्वर धाम जी, जय बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत पहले से जान रहा हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू जान रहा हूँ जी। तो अभी क्या कोई अर्जी लगाने आए कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए? अर्जी हमारी यही है कि हमारा सनातन जो है पूरा विश्व में छा जाए, क्योंकि सनातन जो है हर व्यक्ति को प्रकृति ने सनातनी बनाकर भेजा है, हर व्यक्ति को इस विश्व के चाहे जो भी हो सनातनी बनाकर भेजा है, भले यहाँ पर कोई कुछ स्वीकार करे कुछ बोले है ना कबूल करे, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि विश्व के जितने भी लोग हैं जितने भी हैं प्राणी हैं ये सभी सनातनी हैं। और हमारा दुर्भाग्य कहा जाता है कि धर्म तो दिखावा का चीज़ नहीं है, क्या धर्म तो इंसान और भगवान के बीच का मसला है, बीच में क्या तो कहाँ दिखावा किस बात की, कहाँ पर दिखावा आपको दिख रहा है? तो हिंदू राष्ट्र की मांग को वाजी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र से बताइए? क्या बदल जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा। जैसे सब कोई अपना अपना राष्ट्र मांगता है, हम भी अपना राष्ट्र मांगते हैं, क्या गलत बात है इसमें? आम जनता को हम जैसे आप जैसे लोगों को क्या फायदा होगा इसका? फायदा क्या होगा? अपना धर्म है, धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है, यही धारण करने योग्य है, इसमें कहीं भी किसी का दिल दुखाने का बात नहीं है। अच्छा चीज समझाता है, दिमाग में घुसाता है, सबको बताता है, अच्छी वाणी बताता है। आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो सुंदर कांड की कुछ चौपाइयाँ कही है उससे यहाँ के लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है। चलिए आपका नाम क्या हुआ? ब्यूटी सिंह। कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर से जी। फैमिली के साथ आए जी। तो वहाँ से सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनने आए आप लोग जी?